नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई गुरु नानक पीठ का शुभारम्भ किसने किया? तो नई गुरु नानक पीठ का जो शुभारम्भ किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो कौन से मंत्री हैं? तो एक केंद्रीय शहरी मंत्री हैं, केंद्रीय एवं शहरी मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून, द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून कानून मंत्री सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। और यह किसने शुरू किया है? तो भारत की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे रविशंकर, भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2019 पेरिस मास्टर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर खिताब 2019 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें एजुथचलन पुरस्कार किसने जीता है? तो जो हाल ही में 27वां एजुथचलन पुरस्कार है वो किसने किसके लिए सारी किसने चुना है जीता है किसके लिए चुना गया है किसको मिलेगा? तो मिलेगा पी साचिनंदन को, जो 27वां एजुथचलन पुरस्कार है वो किसके लिए चुना गया है किसको दिया जाएगा? तो दिया जाएगा पी साचिनंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो कोलकाता में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया पृथ्वी आलोकन का उपग्रह लॉन्च किया है? तो जो हाल ही में लॉन्च किया है नया पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह वो चीन ने लॉन्च किया है। अब चीन की बात आई तो चीन की जो राजधानी है वो कौन है? तो है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ की मुद्रा या करेंसी है रेन मेबी जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग की एक्साई जिनपिंग, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अर्ली कैरियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये जो हाल ही में अर्ली कैरियर रिसर्च ऑफ ईयर द अवार्ड है वो नीरज शर्मा को दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाएगा? ये दिया जाएगा सोडियम के बैटरी आयन का, इन्होंने जो समय डेवलप किया है सोडियम के बैटरी आयन में उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा गोल्ड या स्वर्ण भंडार वाला देश है वो है अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पे है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जर्मनी है। अगर अपने भारत की देश भारत की बात करें तो उसमें भारत है 10वें नंबर पे। भारत जो है वो 10वें नंबर पे है गोल्ड भंडार के विषय में, जो भारत है वो 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड जो है वो सुदर्शन पटनायक को दिया जाएगा। यह मिट्टी से जो सुदर्शन पटनायक हैं यह बालू से जो आकृतियां होती हैं उनको बनाते हैं। जैसे किसी के चेहरे हुए, किसी की मूर्ति हो तो उसको बालू से बनाते हैं। उसके लिए इनको पहले पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरलोरक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जो सरलोरक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? जीता है लक्ष्य सेन ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रैगन बोट विश्व कप कौन सा पदक जीता है? तो ये जो ड्रैगन बोर्ड हैं वो विश्व कप में कांस्य पदक जीते हैं। और ये जो हुआ था ये श्रृंखला जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी चाइना में श्रृंखला हुई थी।
दोस्तों कल की वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन सा शहर जो भारत का है, कौन सा शहर है जो UCCN में शामिल हुआ है या सदस्य बना है, तो ये मुंबई बना है, मुंबई बना है और इसके साथ ही जो है हैदराबाद भी बना था, हैदराबाद भी बना हुआ है UCCN का सदस्य। उसके पहले जो जयपुर है और बनारस, इसके पहले बन चुके हैं UCCN के सदस्य। दोस्तों आज की वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता है, तो इसमें चार ऑप्शन है, फ्रांस, जापान, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।